अभी तक अब 95 में भैरव सिंह जी ने ये बॉर्डर सील किया, उससे पहले तो हमारी गाय जाती थी, गाय चली जाती थी, फिर हमको पीछे जाना पड़ता था। मेरे पिताजी भी, मेरी गाय गई थी उसको लेने के लिए गए, मुकाबले करके लेके आए, मतलब बंदूकें चलती थी। पाकिस्तान में मुसलमान गाय चुरा के ले जाते थे, वहाँ ले जाके काटते थे, तो गाय के लिए लड़े लोग यहाँ, यहाँ आपको हर जगह उनके स्मारक मिल जाएंगे जो गाय के लिए लड़े और मरे। अच्छा, हाँ, अमृत दे देती है वो छाछ में और रूखी सूखी जो भी मिलती है। एक समय ऐसा आता था, मतलब आटा नहीं था क्योंकि यहाँ अनाज होता नहीं था, अनाज देते थे तो इसके जितना अपन सो सकते हैं उतनी, मतलब एक आधा फिट का गड्ढा उसके अंदर सो जाओ, एक तो गर्म होती है और फिर ऊपर वो बू नहीं देखा था आपने, वो सफेद वाला आप पूछ रहे थे क्या है, हाँ। वो बू का पौधा। अच्छा। वो बू के पौधे, वो बड़ा इंसुलेशन का काम करता। अच्छा, है तो उसके तो आप जाल, एक तो नीचे बिछा दो बेड टाइप का बना, हाँ। और एक उनको ऊपर डाल दो, वो बिल्कुल ऐसे मतलब यूं रोए जैसे, हालांकि कपड़ों की चिपकते हैं लेकिन ऐसे झड़कोगे तो उतर जाएंगे, वो ऊपर डाल दो तो आपके रजाई का काम करता है वो। आपको यहाँ रेगिस्तान में मतलब रेत दी है तो उससे उससे जुड़ी हुई कई ऐसी चीजें भी दी हैं जो जिससे और बड़ा आनंद आता, हाँ, है इसमें, मतलब यूं मन प्रसन्न हो जाता है एक बार रेत में नहा के। तो 2 महीने थोड़ा बहुत मुश्किल वाले होते हैं, 2 महीने थोड़ा सा मुश्किल होता है, जून उसमें भी लू चलती है, उसके बाद में भगवान ने एक सिस्टम कर रखा है, हमारे यहाँ लू चलती है कुछ समय, मतलब 15-20 दिन लू चलती है, जब ये पीछे दक्षिण की हवाएं जब तक शुरू नहीं, फिर आंधियां शुरू हो जाती है, आंधियां शुरू होने के बाद में रेत उड़ती तो है लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है, फिर तकलीफ नहीं मिलती आपको, हालांकि थोड़ी गर्म होती है हवा लेकिन लू नहीं होती है, वो फिर हवा बहुत तेज चलती है ना तो फिर गर्मी के असर को कम कर देती है, वो आंधियां चलने के बाद में फिर मौसम ठीक हो जाता है। जो सुकून यहाँ महसूस करते हैं ना, मतलब आप देखो ना, रात को तो पूरी ठंडी थी, अभी ये गर्म हो गई, बिल्कुल रात लगाते हैं जैसे वो थोड़ी सी गर्मी निवाई सी ऊपर निवाई आनंद भी आ रहा है। बजे कितने होंगे अभी तो? 9 बजे 11 बज रहे होंगे 10-10:30 बजे 10-10:30 बजे यहाँ आते, समय का भी ध्यान नहीं, समय का ध्यान नहीं, ये भी जरूरी है ना, समय का ध्यान ना होना भी जरूरी है। हाँ, घड़ी देखो ना, टाइम क्या हुआ, वहाँ जाना है, वो मीटिंग है और नेटवर्क से भी दूर है, नेटवर्क भी नहीं पकड़ता, ये भी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बार बार मोबाइल देखना, क्या फोन देखना, अरे यार किसका मैसेज आया, क्या आया, वो आया, जीवन में कुछ समय अपनी सोच और उसके लिए भी होना ही चाहिए, क्या आनंद है सर, आप भाग्यशाली हो गए इस गांव में, सत्तों में जन्म हुआ आपका। बिल्कुल, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि गाय के पास में भगवान ने जन्म दिया, नहीं तो इस सुख से हम वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल है, गाय और यहाँ तो जीवन दायिनी गाय, रोजगार गाय है, माँ गाय है, खाना खिलाने वाली गाय है, मतलब जो चीज कहोगे वहाँ गाय, सब गाय। जैसे मैं अपने इलाके की बात बताऊँ, वहाँ पहाड़ है, वहाँ भी मतलब प्रकृति का एक दूसरा रूप है जी, लेकिन वहाँ की समस्या क्या है, वहाँ की समस्या है हॉन्टेड इलाके हो गए, गांव के गांव खाली हो गए, मतलब हॉन्टेड इन द सेंस की वहाँ कोई किसी तरह का रोजगार नहीं, फसलें चौपट, लोगों की सोच नहीं रही करने की, एक्सपेरिमेंटल बहुत कम लोग हैं जो कुछ करते हैं, इसलिए लोग शहरों की तरफ भाग गए। और जिस गाय यहाँ तो थार पार करे, हमारे यहाँ छोटी बद्री नस्ल की गाय होती है जिसको पहाड़ी गाय भी कहते हैं, वो दूध, एक तो दूध देने की क्षमता बहुत कम है, 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर मैक्सिमम कभी किसी ने मेहनत कर ली तो, लेकिन अगर गाय दूध देने की क्षमता क्लाइमेटिकली वहाँ होती तो मुझे लगता अगर गाय की मजबूती उस इलाके को भी और ज़्यादा मजबूत कर देती। सही बात, जिस हिसाब से यहाँ को, यहाँ की डोर को बांध के रखा है, बांध के रखा, लोग यहाँ से माइग्रेट नहीं किए गाय की वजह से, गाय की वजह से, हाँ। हमारे इलाके में क्योंकि गाय की दूध देने की क्षमता उतनी नहीं रही तो छोटी रही, और जो भी अब हैं वो क्रॉस होके HF जर्सी से क्रॉस होके खराब हो गई हैं, और तो अब उनकी हालत बहुत बुरी है। तो ये यहाँ के रखकर ताकत है, 2 महीने जरूर मुश्किल वाले होते हैं लेकिन ये थार की ताकत है, और यहाँ खाने को छाछ ही है और कुछ है नहीं, और हमारी आदत इतनी छाछ में पड़ गई है, हमको बोले आप बादाम का हलवा दे दो लेकिन छाछ नहीं खाते हैं ना खाने में, हाँ। तो हमको तृप्ति नहीं होती, ऐसे लगता है अभी कुछ अधूरा है। छाछ के बिना, मतलब यहाँ के हर एक आदमी की, हाँ। मतलब छाछ नहीं है भोजन में तो हमारा भोजन अधूरा है, छाछ के बिना भले आप सोना रख दो हमको नहीं भाएगा, और छाछ में सारी तृप्ति आती है, ये कोई प्रकृति ऐसी बन गई है कि गाय की वजह से। और सबसे बड़ी बात कहूँ ना, मैं जो मैं मानता हूँ, सबसे कठिन हालात है पूरे देश के अंदर, ये तो आप यहाँ आके समझ गए होंगे, और जो किसान सुसाइड का हमारे बाड़मेर जैसलमेर का इस एरिया का एक भी कोई केस बता देना तो 100% गारंटी कि किसी किसान ने सुसाइड कर लिया, आर्थिक एक भी नहीं इन चीजों से, एक भी एक भी नहीं है जिसमें किसानी की वजह से उसने, और इतनी मतलब आप मानोगे नहीं, मतलब यहाँ कुछ नहीं मिलता है,
कई कई साल तक किसान को कुछ नहीं मिलता है, एक बारिश होती है दूसरी नहीं होती है, आंधी आ जाती है उड़ा के ले जाती है, और मतलब आप समझो कि, और दूसरा उसके पास में गाय होती है उसको भी चराना पड़ता है, कई बार फसल खराब हो जाती है, कई बार बेमौसम बारिश हो जाती है उससे खराब हो जाती है। महाराष्ट्र में देख लो ना, हाँ महाराष्ट्र में कितना ज्यादा किसान जो है सभी जगह पूरे भारत में, दक्षिण में देख लीजिए, आंध्रा की तरफ देख लीजिए, मनस्थिति किसान की इतनी दृढ़ है, मतलब वो फिर सोचता है कोई बात नहीं, नीड का निर्माण फिर ठीक है ना, कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, तो मजबूत है, बहुत मजबूत है ये मन है, ये गाय मजबूत करती है। और गाय परमानेंट, उसको क्या है कि छाछ मिल जाती है, गाय घास फूस खा के आती है, अमृत दे देती है, वो छाछ में और रूखी सूखी जो भी मिलती है। एक समय ऐसा आता था, मतलब आटा नहीं था क्योंकि यहाँ अनाज होता नहीं था, अनाज या तो हमारे लूनी नदी जो जिसको हम नैयड़ बोलते हैं या जो मालानी बोलते हैं वहाँ होता था, वहाँ यहाँ से 200 किलोमीटर अनाज लाना बोल, और दूसरा सिंध में होता था, जहाँ सिंधु के किनारे खेती होती थी वहाँ होता था, तो यहाँ आटा बहुत कम होता था, तो मतलब दूध गाय के दूध में ही पूरा जीवन, दूध पी के उसमें थोड़ा सा आटा डालते थे, उसको खीर बनाते थे, उसको खाते थे, और वो आटे वाली खीर का इतना महत्व होता था कि एक बार ऐसे गायों के साथ में कहीं जंगल में थे दो लोग, जैसे कहानी आती है हमारे यहाँ, कहानी आती है उसमें कहानी है कि वो दूध उन्होंने गर्म किया, अंदर एक थोड़ा सा 100 ग्राम जितना आटा डाला और उसकी खीर बनाई, तो उसमें समझौता ये था कि एक घूंट मैं पीऊंगा, एक घूंट आप पियोगे, एक घूंट मैं पीऊंगा, एक घूंट आप पियोगे, इस तरह से अपने को इसको क्योंकि बर्तन एक ही था, तो उसमें पीना था, तो आपने एक घूंट पिया, मैंने एक घूंट पिया, फिर आपने एक घूंट पिया, दोबारा आप जब मेरे को दिया ना तो मैंने एक घूंट के साथ में एक घूंट और ले लिया, तो आपने मेरी गर्दन पकड़ ली, वो घूंट नीचे नहीं जाने दिया कि ये तो बदमाशी कर रहा है, मतलब आटे का इतना अभाव था, लेकिन दूध प्रचुर मात्रा में था, तो लोगों को प्रोटीन की कमी नहीं होने दी उस गाय में, दूध पीते थे, और दूध गाय बिल्कुल घास पूस चर के बिल्कुल निःशुल्क ला के देती थी अमृत, और वो उसमें सारी पूरा का पूरा संपूर्ण भोजन मिल जाता था, क्योंकि गाय है वो संपूर्ण आहार है एक तरह से, उसमें आटे की किसी की तेल की किसी की जरूरत नहीं रहती है, तो इतना होते हुए भी इस बेल्ट में गाय ने लोगों को पाला, बहुत बड़ी बात है। और लोग यहाँ गाय के लिए यहाँ पाली ये बोलते हैं, हमारे यहाँ स्मारक बने हुए जो पाकिस्तान में मुसलमान गाय चुरा के ले जाते थे और वहाँ ले जाके काटते थे, तो गाय के लिए लड़े लोग यहाँ, यहाँ आपको हर जगह उनके स्मारक मिल जाएंगे जो गाय के लिए लड़े और मरे। अच्छा, हाँ मेरे गांव में ऐसे 10 स्मारक है जो गाय के लिए लोग लड़े और मरे, मैं आपको बताऊँ स्मारक मैं तो जरूर देखना चाहूंगा, उन लोगों में आपको दिखाना बड़ा जरूरी है। हाँ, जो गाय के लिए लड़े और मरे उनके, हमारे तो राजस्थान में तो वो ही भगवान बना जिसने गाय के लिए लड़ा और लड़ा, हमारा भले बाबा रामदेव जी ले लो, तेजा जी ले लो, गोगा जी ले लो, जिन्होंने गाय की रक्षा की वो भगवान बन गए, क्योंकि बाबू जी ले लो, जितने भी लोग देवता, अड्डू जी ले लो, सब गाय के लिए शहीद हुए, उनको भगवान बनाकर लोगों ने पूजा, सारे भूमिया जी है, सारे भूमिया जी गाय के लिए लड़े, जितने भी मामा जी भूमिया जी, हर गांव में एक दो मंदिर है, हर गांव में, और वो गाय के लिए ही शहीद हुए, क्योंकि अताता ही आते थे, अभी तो बॉर्डर बंद हो गया और भारत की सेना भी है, और अभी तक अब 95 में भैरू सिंह जी ने ये बॉर्डर सील किया, उससे पहले तो हमारी गाय जाती थी, गाय चली जाती थी, फिर हमको पीछे जाना पड़ता था, मेरे पिताजी भी मेरी गाय गई थी उसको लेने के लिए गए, मुकाबले करके लेके आए, मतलब बंदूकें चलती थी, ये है।